हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल राइट ऑन। तो जब तुम भी तैयारी कर रहे हो पीएस टेट के लिए ज सी टेट के लिए तो जरूर सबसक्राइब करो इस चैनल में, बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होएगा तुहाडे लिए। तो अज बिल्कुल जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया सी कि अज के दिन आपां पंजाबी और मैथ के जो टॉपिक्स ने उन्होंने कवर करांगे, तो बिल्कुल उस दे नाल रिलेटेड जो पंजाबी दा आपां नवा टॉपिक है वह स्टार्ट करन जा रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम है व्यापक पाठ योजना। इस तों इलावा जेकर हाले तक तुसीं तैयारी नहीं शुरू की पीएस टेट लिए, जां फिर तुहानू समझ नहीं आ रहा कि तुसीं अपनी तैयारी किवें कर सकते हो जां कित्थों कर सकते हो, तो यह चैनल तुहाडे लिए बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होएगा, क्योंकि इहदे विच तुहानू जो पूरा दा पूरा मटीरियल है वह तुहानू मिलेगा विद नोट्स। क्लीयर? तो नोट्स एक लिमिट टाइम तक होणगे, बट जो लैक्चर्स ने ये तुहाडे कोल ऑल द टाइम अवेलेबल होणगे। तुसीं अपनी तैयारी एक बिल्कुल रैगूलर लैक्चर सीरीज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और हर एक टॉपिक जो है तुहानू सीरीज़ वाइज लैक्चर चैप्टर वाइज तुहानू इत्थे मिल जाएगा। क्लीयर? तो इस अलावा नोट्स लिए जो टैलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के विच मिल जाएगा। डाउट डिस्कशन लिए जो टैलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी तुहानू डिस्क्रिप्शन के विच मिल जाएगा, और यह दोनों ही तुहाडे लिए बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होणगे। क्लीयर है जी? करिए फिर अज्ज दे टॉपिक नूं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्टेज दे। व्यापक पाठ योजना, व्यापक पाठ योजना अपना अज्ज दा टॉपिक है। तो ये बहुत छोटा जिहा टॉपिक है और बहुत छोटी जी वीडियो रहेगी, इस दे विच अपना जो टॉपिक है वह भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी? क्योंकि व्यापक पाठ योजना बहुत आप कह सकते हैं कि मेन मेन जो पॉइंट्स ने किसी लोड की है, इदा के सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करांगे। बहुत छोटा जिहा टॉपिक है, बड़ी जल्दी हो जाना है। ठीक है? और एक गल सोचा अज आप की स्टडी करांगे कि है कि इसकी लोड महत्ता की है, सारा कुछ ये बारे अज ही अपना एक वीडियो दे विच कवर हो जाएगा, और फिर नैक्सट वीडियो दे विच आपां नैक्सट टॉपिक नूं स्टार्ट करांगे। सो हाले आपां टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, तो उस तो पहला पहला की करो, अपनी इस वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के नाल, और नाल नाल जेकर तुसीं फर्स्ट टाइम आए हो उस चैनल के उपर तो सबसक्राइब बटन नूं जरूर क्लिक कर दिओ। ठीक है जी? तो चलो फिर स्टार्ट कर दे इस वीडियो नूं। देखो, व्यापक पाठ योजना की होंदी है। व्यापक पहला तो आप यह जानते हैं जो अपना टॉपिक है उसका मतलब की है, व्यापक पाठ योजना है की। ठीक है? श्रेणी में पढ़ाने तो पहला अध्यापक विषय समगरी दिया भिन्न भिन्न क्रियावां, मतलब कि किड़े किड़े एक्टिविटीज़ होनी करनिया ने, पेशकारी विधियां, ठीक है, की उन्हें एक्सप्लेन करने की उसने पेश करना है, सहायक साधन किड़े साधना की उसने मदद लैनी है, लाइक जिम्मे टीचिंग एड्स में यूज़ करना है या नहीं। ठीक है? पाठ का गतिक्रम हो गया, दोहराई कदों करवानी है, और घर का काम, देन संबंधी व्यापक पाठ योजना बनाता है, इसनों ही व्यापक पाठ योजना कहा जाता है। वैसे तो इन लाइनों के तुहानू प्रोपरली क्लीयर हो गया होना, मतलब जो एक ऑर्गनाइजेशन एक टीचर एक टॉपिक नूं करवाने तो पहला करता है कि हाँ जी मैंने इस तरीके नाल अवले टीचिंग एड्स नूं यूज़ करना है, इस तरी अगर मेरा टॉपिक इन्ने दिनों में कंप्लीट होंगे तो मैंने इन्ने टाइम उसकी दोहराई करवानी है, होमवर्क के मैंने उन्होंने की देना है, ठीक है, किहड़े क्वेश्चन्स मैंने उन्होंने तो पूछने ने, किहड़ी विषय समगरी दी अलग अलग किहड़ी एक्टिविटीज़ मैं उन्होंने तो करवा सकता, हर एक दी योजना अगर टीचर करेगा तो ही वो करवा पाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, तुसी कोई भी टॉपिक है, बिल्कुल अगर आप गल करिए तुसी खुद पहला सोचोगे कि इस टॉपिक दे विच किहड़े-किहड़े एक्टिविटीज़ मैं बच्चों नाल शेयर कर सकता, किहड़े-किहड़े किन्ने टाइम के मैंने इसकी इसमें कंप्लीट करना है, दोहराई, सब कुछ आप एक ऑर्गनाइजेशन के ही चलते हैं, तो उसनों आप बोलते हैं व्यापक पाठ योजना, कि पाठ की प्रोपरली एक योजना बनाना किसान किस तरीके आप बच्चों के नाल बच्चों सिखावे। ठीक है जी? तो चलिए अगे, उम्मीद है पहला तो यही चीज़ क्लीयर होगी होगी कि व्यापक पाठ योजना है कि। ठीक है? जे नहीं क्लीयर होया तो दोबारा दस दिनी है कि व्यापक पाठ योजना वह योजना होंगी है जो कि एक टीचिंग करने तो पहले एक टीचर करता है कि इस टॉपिक नूं जां इस पाठ नूं कितना टाइम लगेगा, कि एक्टिविटीज़ मैं ये करवा सकता, कि टीचिंग एड्स मैं ये यूज़ कर सकता, घर के काम के विच की देना है, और दोहराई किस तरीके नाल लैनी है, और सारा कुछ उस दे विच की हुंदा है मैनेज किया जाता है। ठीक है? चलिए फिर अगे अगे तुहाडे सामने है लोड ते महत्ता, कि व्यापक पाठ योजना की लोड़ क्यों पैंदी है, जां फिर आप ये कह सकते कि उसकी महत्ता की है। तो व्यापक पाठ योजना की लोड़ क्यों पैंदी है, सब तो पहला तो तुसी देखो, व्यापक पाठ योजना अध्यापक के कार्यों का वर्णन करती है। ओबियस जी गल है, हुण प्रोपरली वो ऑर्गनाइज़ कर रहा है कि मैंने इन्ने टाइम के इसमें कंप्लीट करना है, इन्ना टाइम मैंने दोहराई में लगाना है, ये टीचिंग एड्स मैंने यूज़ करनिया ने, हर एक चीज़ के ये एक्टिविटीज़ करवानिया ने। तो कितना कितने अध्यापक जो भी काम कर रहा है उसका वर्णन की कर रहा, अध्यापक व्यापक पाठ योजना ही तो कर रही है। व्यापक पाठ योजना तो अपन ये पता लग जाता है कि जो अध्यापक के कि कार्य ने किस तरीके करना करन वाला है जो कर रहा है। ठीक है? अगर अगर आप गल करिए सैकेंड, इस द्वारा पाठ के उद्देश मकसद को स्पष्ट किया जा सकता है। किसी भी टॉपिक में जो आप करवा रहे हैं उसके उद्देश्य ध्यान में रख के ही आप उसको सिखाने कि इस ना बच्चे की सीखने को मिलेगा, जो की बच्चे
सीख सकनगे जो उन्होंने केड़े सर्वपक्षी विकास जो उन्होंने हो भी पाएगा या नहीं। ठीक है, तो उद्देशों मकसद की है उसनों ध्यान में रख के ही जो व्यापक पाठ योजना है वह तैयार की जाती है। और अगर गल की जाए तो व्यापक पाठ योजना की मदद नाल अपन बड़ी आसानी नाल जो उद्देश ने वह क्लीयर हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के नाल रिलेटेड। ठीक है जी, अगे अगर आप गल करिए विषय वस्तु निरंतर प्रक्रिया दिंदी है। ठीक है, लगातार आप विषय वस्तु है जो उसनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह हर रोज़ पढ़ाए जाने वाले पाठों में संबंध कायम करती है। बिल्कुल, अज आप जो टॉपिक किया उसने रिलेट करके आप सैकेंड टॉपिक पढ़ा उसने रिलेट करके आप थर्ड टॉपिक पढ़ा, इस तरीके नाल जो है संबंध बना के रखा जाता है। अध्यापक अते विद्यार्थियों का समा अते शक्ति का सदउपयोग किया जाता है। हुण जो समा आप जस्ट रीडिंग कर रहे हैं जा समझ नहीं आ रहा किसी नूं, उस समय का आप कह सकते हैं दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, और एनर्जी का भी दुरुपयोग हो रहा है। बट जेकर वही एक प्रोपरली ऑर्गेनाइजेशन, हुण देखो आप एक प्रोपरली तैयारी नाल जा रहे हैं कि हाँ जी अज आप यही करवाना है, इन्ना टाइम आपने थ्योरी देना है, इन्ने टाइम के बच्चे की एक्टिविटीज़ होनगियां, इन्ने टाइम के मैं उन्होंने गलबात करके उन्होंने जो क्वेश्चन आंसर ने उन्होंने देखा डाउट्स लव, कुछ भी आप प्रोपरली ऑर्गेनाइजेशन करके जा रहे हैं तो उतने टाइम वेस्ट तो हो ही नहीं रहा ना, थोड़ी एनर्जी भी बिल्कुल सही तरीके ना लग रही और थोड़ा टाइम भी बिल्कुल सही तरीके जगह पर यूज़ हो रहा है। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट एक सही तरीके नाल सीख रहे हैं तो उन्होंने भी की होएगा, यही एनर्जी भी पॉजिटिव वे दे विच यूज़ होएगी और टाइम भी। क्लियर है चीज़? अगे चलिए, अध्यापकों पहला ही जानकारी हो जाती है कि उन्होंने की कदों क्यों किमें कि वही चीज़ है जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब की होंगे हूँ उन्होंने पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी टॉपिक करवाना है अपनी क्लास के जाके तो मैं उसमें प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज करके जा रही है कि हाँ जी मैंने अज यही टॉपिक करवाना है, यही एक्टिविटी करवानी है, मतलब उसमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गल करी तो मैंने पता है कि अज मैंने टीचिंग एड्स यूज़ करना है, उन्होंने कि टीचिंग एड यूज़ करना है या फिर कि प्रेजेंटेशन मैंने दिखानी है या फिर अगर आप गल करिए कि या फिर मैंने भी क्लियर है कि मैंने अज बच्चे एक्टिविटी करवानी है, कदों करवानी है तो क्यों करवानी है, हर एक चीज़ है जो मैंने पहले ही क्लीयर होएगी। ठीक है, इतना नहीं होएगा कि क्लास के जाके पहले मैं बहुत सारा समा लेके सोचा तो उतने मेरा टाइम नहीं वेस्ट होएगा, मैं ऑलरेडी सब कुछ क्लीयर करके जा रही हूँ, मैंने सब कुछ पहले तो ही नॉलेज है कि मैंने की करवाना है, कदों करवाना है, क्यों करवाना है तो किवें करवाना है, क्योंकि मैं अपनी पूरी तैयारी नाल जा रही हूँ। ठीक है, और वह विषय तो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि जो मैंने पता है कि हाँ जी मैंने जस्ट यही टॉपिक्स कवर करने ने तो मैं इस तो बाहर क्यों जावांगी। ठीक है जी, चलिए अगे नैक्सट करिए गल, सैवंथ पॉइंट थोड़े सामने है। सैवंथ पॉइंट की है, यह अध्यापक नूं नियमित बनाती है, मेहनती बनाती है और किताबों नाल जुड़िया रहिंदा है। ठीक है, बिल्कुल अध्यापक जो है एक प्रॉपर अपना सही टाइम जो है उसनों सही जगह यूज़ करता है, उसनों मेहनती बनाता है। ठीक है, उसनों नियमित बनाता है। ठीक है, तो किताबों नाल मतलब सिंपल इतने कहना यह है कि जो आप सीधा क्लास के जाके सिर्फ डायरैक्टली पढ़ाने की बजाय जो आप प्रोपर एक तैयारी नाल जाते हैं तो उत्थे अध्यापक के विच भी काफ़ी सारे चेंजेस आपां नूं देखने को मिलते हैं, उसकी भी मेहनत आपां नूं नज़र आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अच्छे क्वेश्चन नूं किवें तैयार कर सकते, बच्चे लिए बेस्ट क्वेश्चन कहे हो सकते हैं, जो आप उन्होंने बच्चे लिए बेस्ट डिबेट टॉपिक कहे हो सकते हैं, कि बेस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो उत्थे टीचर की मेहनत जो है साफ नज़र आती है। ठीक है जी, चलिए अगे, यह अध्यापक विच आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है और श्रेणी विच पूरी तैयारी नाल पढ़ाता है। ठीक है, अगर आप किसी आप सारे ही टीचर्स हाँ बिल्कुल अननोन जावांगे कि सानू पता ही नहीं कि अज केड़ा टॉपिक करवाना है और कंपैरिजन करो कि थानू सब कुछ पता और तुसी पूरी तैयारी दे नाल आए हो, तुसी अपनी एक्टिविटी जो करवानी है वो भी पूरी स्टडी करके आए हो, जो पूरा तैयार होकर आए हो उस चीज़ लिए, या फिर तुसी जो टीचिंग जी यूज़ करनी है उस लिए पूरा सीख के आए हो, बहुत वधिया तरीके नाल सीख के आए हो कि थोड़े कॉन्फिडेंस दे विच चेंज नहीं होएगा। फर्स्टली मैं थोड़ा कहा कि थानू पता ही नहीं कि तुसी की करवाना है, एक्टिविटी करवानी है, पढ़ाना है या किहड़ा टॉपिक पढ़ाना है, और उदी जगह पर वेद कंपेयर करके देखो कि तुम पूरा क्लीयर है तुम की कदों कि किमें करवाना है, तो दोनों के आप देखा कि अपने कॉन्फिडेंस चेंज होएगा। ठीक है, नॉर्मली जी आम जी चीज़ है ये तो अपना जो आत्मविश्वास है अपना जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है, और श्रेणी में पूरी तैयारी पढ़ाई जाता है। ठीक है जी, नाइन्थ टॉप पॉइंट की गल करिए, नाइन्थ पॉइंट की है अपने को अध्यापक की योग्यता का विकास करती है। बिल्कुल, अध्यापक की जो योग्यता है ठीक है उसका विकास होता है, विषय वस्तु तो उसकी की हो जाती है पकड़ मजबूत हो जाती है। ठीक है जी, श्रेणी में अनुशासन बनिया रहता है। ठीक है जी, क्योंकि जो आप कोई भी टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहे, कुछ सोच ही नहीं रहे, अपने सब तो पहला क्या किया बच्चों एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद उसकी एक्टिविटी, तब डिसिप्लिन ही रहेगा। ठीक है जी, अनुशासन जो है वो बनिया रहेगा। क्लियर, तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्यापक पाठ योजना, व्यापक पाठ योजना आप कह सकते हैं आम जो शब्दों के
कि सब नू पता है कि व्यापक पाठ योजना दे विच की कुछ हुंदा है क्योंकि आप सारे ही टीचिंग लाइन नाल जुड़े हुए हैं। बट नाम ही अगर आप गल करिए प्योर पंजाबी दे विच बहुत सारे इदां दीआं चीज़ां ने जिन्हां दे नाम आपां नू प्योर पंजाबी दे विच नहीं पता, जिवें सुखम पाठ योजना सी जां व्यापक पाठ योजना हो गया, तो उत्थे एग्जाम दे विच आपां नू इन्हां चीज़ां बारे प्रोपर नॉलेज तां हुंदी है बट नाम ही आपां नू कोल इदां दे सामने आ जांदा नहीं कि आपां नू पता ही नहीं लगदा कि इस टॉपिक बारे गल कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ आराम नाल आपां ईजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस तो इलावा कुछ स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ लिए कह रहे थे, तो बिल्कुल आप एमसीक्यूज़ नू जरूर कवर करांगे। एक बार आप पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिए उस तो बाद जो एमसीक्यूज़ ने वो तो हाडे नाल जरूर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा जा सबर करो, तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की जो सीरीज़ है वो भी तुहाडे नाल शेयर की जाऊगी एक बार आप सिलेबस नू कवर कर लिए। ठीक है जी, नैक्सट अगर गल करिए व्यापक पाठ योजना के गुण सिद्धांत और विशेषतावां आप बोल सकते हैं कि कहड़े कहड़े क्वालिटीज़ विशेषतावान होंगे ने व्यापक पाठ योजना दियाँ। देखो यह की होंगी है, लिखित पाठ योजना होंगी है। ठीक है जी, यह की है लिखित पाठ योजना होंगी, मतलब आप लिख के प्रॉपरली देखते हैं कि हाँ जी इन्ने टाइम के मैंने ये सारा कुछ आप ऑर्गेनाइज़ करते लिख के। ठीक है जी, नैक्सट अगर गल करिए स्पष्ट उद्देश होंगे, ठीक है अपन अपना उद्देश की होंगे स्पष्ट होंगे कि हाँ जी अज मैंने क्लास के बच्चे यही सिखाना है और इस तो बाहर मैं कितने भी इदा नहीं होएगा कि हाँ जी किसी होर टॉपिक वाल चले गए किसी होर चीज़ों बारे सोचने लग गए, नहीं अपन क्लीयर होंगे कि अज मेरा उद्देश यही है मैंने अज बच्चे यही सिखाना है। ठीक है जी, नैक्सट अगर गल करिए आप करते हैं क्लास के जाके चोन नहीं करते, पहला चोन करके जाने कि मैंने किहड़े मैथड नाल बच्चों को सिखाना है, आगमन नाल निगमन नाल एग्जाम्पल टू रूल जाना है जां रूल टू एग्जाम्पल जाना है, मतलब मैं पहला ही डिसाइड करके जावांगी क्लास के विच कि मैंने अज बच्चों नाल किहड़ा मैथड किहड़े मैथड नाल उन्हां नू प्रोपरली टीच करना है। ठीक है जी, नैक्सट अगर आप गल करिए सिक्ख्या सहायक समगरी की चोन, तो सिक्ख्या सहायक समगरी की भी आप पहला ही चोन करके जाने किहड़े जो सिक्ख्या सहायक समगरी किहड़े टीचिंग एड है वो मैंने यूज करनी है, किहड़ी उन्हां लई पूरी इस टॉपिक दे नाल रिलेटेड किहड़ी उन्हां लई पूरी यूजफुल होएगी, तो किहड़ी टीचिंग एड जो है ओनली ऑडियो ओनली वीडियो जो ओनली आप कह सकते ऑडियो वीडियो दोनों किहड़ी प्रेजेंटेशन स्लाइड किस तरीके नाल मैं उन्हां नूं किहड़ी टीचिंग एड नाल वधिया तरीके नाल सिखा सकदा, तो उहदी भी आप चोन पहला ही करके जावांगे। ठीक है जी, पुराने पाठां दा नवें पुराने पाठां दा नवें ज्ञान नाल तालमेल बनाना। ठीक है, जिहड़े भी मेरे पुराने पाठ होणगे उन्हां नूं नाल किवें रिलेट करके मैं बच्चे नूं कुछ नवां सिखा सकदा हाँ, बच्चे ने जो पहला पढ़िया होया ठीक है उसनों जेकर मैं नाल लैके चलना और उस तो बाद जो आज का टॉपिक है वह सिखाने की कोशिश करा तो किस तरीके नाल हो सकता है। ठीक है, तालमेल किवें बनाया जा सकता है, हुण व्यापक पाठ योजना मतलब हो गया एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना और उस दे विच सब कुछ आ जाता है कि किवें मैं उन्होंने पढ़ावगा किवें की होएगा सब कुछ वो की हों इनकलूड हों। ठीक है, लचकदार पाठ योजना होंगी है। ठीक है जी, अगे अगर आप गल करिए श्रेणी क्रियावान योजनावान ये आप करते हैं कि श्रेणी क्रियावान फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले फॉर एग्जाम्पल अगर 40 मिनट्स का की है पूरा टाइम है। ठीक है, ये अगर मैं गल करा पहला मैं की कराँगा कि ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी कि पहले मैं थोड़े जो उन्होंने क्वेश्चन से पूछूंगा फिर एक्सप्लेनेशन होगी फिर एक्टिविटी उन्होंने करवा के देखेंगे उन्होंने डाउट्स एक आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर गल की जाए इतने मैं किड़े पॉइंट की गल कर रही थी, इतनी क्रियावान की गल हो रही थी कि श्रेणी क्रियावान की योजना कि क्रियावान उन्होंने आप डिस्कस कर सकते हैं, वाद विवाद हो जाता है जिम्मे क्रियावान क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। ठीक है, कवि पाठ हो जाता है। ठीक है, और अगर गल करिए भाषण हो जाता है, नाटक हो जाते हैं। ठीक है, प्ले जिन्हों आप कह दें ठीक है, मौन पाठ इधर की क्रियावान क्रियावान उन्होंने सुटेबल बैठनगियाँ वो भी आप डिसाइड करके ही जावे। ठीक है जी, नैक्सट अगर आप गल करिए व्यक्तिगत अंतरता सिद्धांत, हूँ आपको पता है कि क्लास के सारे स्टूडेंट बिल्कुल सेम नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे ने, बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट बहुत ज़्यादा एवरेज बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा ठीक आप कहेंगे पुअर दे हर एक तरह के जो स्टूडेंट ने अपन क्लास के देखने मिलते हैं, तो उसनों आप ध्यान में रखते हुए जो है अपना पूरा जो मैथड है उसनों डिसाइड करांगे। व्यक्तिगत अंतर मतलब हर एक बच्चे इंडिविजुअली ध्यान में रख के आप प्रोपरली जो लर्निंग है उसनों प्लानिंग करांगे। ठीक है, टीचिंग जो है उसको प्लान करांगे। साधारण गुणों बारे जानकारी ठीक है अपन पहले तो ही हो जाती है, संदर्भ जो हवाला पुस्तकों की सूची ठीक है कि पुस्तकों तुम इतने यूज़ करनिया ने कोई वो सब कुछ आप डिसाइड करके चाहते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है यह टॉपिक क्लीयर हो गया होगा, मैं तुम्हें पहले कहा बहुत छोटा जहा टॉपिक है, इस कुछ इदा डिफिकल्ट नहीं है, बस नाम अपना याद रखो कि व्यापक पाठ योजना का मीनिंग की हुंदा है। ठीक है जी, चलिए फिर अगे तो इतने जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हुंदा। ठीक है, इस तो इलावा अगर गल करिए तो अज आप स्टडी किया व्यापक पाठ योजना की है, उसकी लोड़ ते महत्ता की है, उसके गुण ते सिद्धांत की ने, यह सब कुछ अज आप स्टडी किया। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, जेकर वीडियो पसंद आया तो सब तो पहला काम तुम की करोगे लाइक का,
उस तो बाद तुसी की करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के नाल, ठीक है जी। और जेकर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब तो तुसी जरूर करके जाओगे, ठीक है। और नाल नाल अपनी बेल आइकन भी प्रेस कर लियो ताकि तुहानू जो भी वीडियो जो है उसका जो भी नोटिफिकेशन है तुहानू टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्लीयर? तो चलो फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच और डिस्कस करांगे हर एक चीज़ नू, क्लीयर डीपली। हाँ जी, नवा टॉपिक आप स्टार्ट करांगे, देख दे फिर केड़ा होएगा नवा टॉपिक, उसनों आप देखांगे जरूर, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच, थैंक यू।